बाबा कौन है ये? ये मानूर है, सलाम करो इन्हें, तुम्हारी नई मम्मी। क्या मम्मी? आई कांट बिलीव इट बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमसे मैं बाद में बात करता हूं, अभी तुम्हारी नई मम्मी थकी हुई है, इन्हें आराम की जरूरत है। आ जाओ। क्यों अपनी मरी मां का शोक मनाती रहोगे? मुंह ठीक करो ना अपना। अरे भाई, जो होना था वो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है? अच्छा चलो शाबाश, रोना धोना बंद करो, मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो तुम। बंद करो ना ये रोना। अच्छा चलो शाबाश, चलो मुस्कुराओ। इधर देखो, मानूर, अरे मानूर आ जाओ ना बाहर भाई। अरे रोने से जिंदगी नहीं गुजरने वाली, ना तेरी ना मेरी। आ जाओ शाबाश, आ जाओ बाहर, आ जाओ। एक तो ये दवाइयों ने आग लगाई हुई है मैदे में। अरे बस करो ना, अब आ भी जाओ ना मानूर, जल्दी करो यार, आ जाओ। Thank you.
अरे भाई मानूर आ भी जाओ ना, कितनी देर लगा दी है तुमने। क्या हुआ बेटा? इस उम्र में शादी करके आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? और ये बेशरम लड़की किस तरह बेबाकी के साथ अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने आ गई है? तुम कहाँ जा रही हो? रुको यहां पे। देखो बेटा, तुम जितनी भी हो लेकिन रिश्ते में ये तुमसे बड़ी है। अब मैं तो ये कहूंगा कि तुम अब दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लो। और अगर ना करूं तो? तो ना करो, जो होना था वो तो हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हें इसके साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। ये आपकी बीवी तो हो सकती है लेकिन मेरी माँ नहीं। सुन लिया आपने? कभी भी नहीं। तुम क्यों खड़ी हो? बैठो ना, नाश्ता करो। वालेकुम सलाम। ठीक हो? अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये क्या? ना सलाम ना दुआ। आप अब अपने ऑफिस को ताला लगा दे। क्यों भाई, क्या हुआ? आपकी बीवी का कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आता। तुम कहना क्या चाह रही हो? पता नहीं किससे फोन पे लगी रहती है। ऐसी लड़कियां अपनी ठाट बाट बनाने के लिए बड़ी उम्र के मर्दों से शादियां तो कर लेती हैं, मगर इश्क के लिए वो जवान लड़कों में ही इन्वॉल्व रहती हैं। पता नहीं आप कैसे फंस गए इस चालबाज के चक्कर में। ये लीजिए, अब आपके लिए खाना लगा दूं? खाना तो हमारे साथ खाती जाओ। मैं बाद में खा लूंगी। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक ये आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती तब तक। बहुत ही जिद्दी हो। आप पर ही गई। ये बाल खुले मत रखा करो तुम, और ये जो दुपट्टा है ये गले में लटकाने के लिए नहीं है, सर पे ओढ़ने के लिए है। और इतने शोक रंग मत पहना करो, जहर लगते हैं मुझे। Thank you.
सरप्राइज मुनीत, तुम मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम्हारा कान खींच लेता हूँ ना ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। आगे एक इंचोड़ो मेरा कान। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम एक महीने बाद आओगे। अगर मैं सच बता देता तो सरप्राइज का मजा नहीं आता। कैसा लगा सरप्राइज? जबरदस्त। मैं बहुत खुश हूँ मुनीत। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। देखते ही रहोगे या बैठोगे भी? बैठता हूँ। जुबान छिला दिया मेरे आगे। चल गया तुझे है? एंगल दिखाती है। एंगल दिखाती है। अरे मैंने तुझ पे क्या 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 नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। खबर खबरदार खबरदार आगे ऐसे बोली तो अरे मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। वो बाबा का ना आजकल बीपी हाई रहता है, इसलिए जरा जरा सी बात पर मुलाजिमों पर गुस्सा करता है। सर तो उनका बीपी मजीद हाई होगा। अब मैं यहाँ खड़ा रहूंगा या कुछ खाने के लिए भी पूछोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। श्योर। किस बात की अकड़ दिखाती है मुझे? अरे शोहर हूँ तेरा मैं, दिखा करके लाया हूँ, तू उठा के नहीं लाया, अकड़ दिखाती है सारी अकड़ तालाबा तेरी में। क्या कहती मैं मुनीब से कि मेरे बाप ने मेरी शादी करने के बजाय खुद शादी कर ली? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है आपने मुझे? बेटा मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया? और निकाह करना सवाब का काम है। तो क्या सवाब कमाने के लिए यही एक काम बचा था? इससे पहले कि मुनीब को कुछ पता चले और उसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी आए, इसे दफा करें यहां से। ये मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अब तुम कहां जा रही हो? मुनीब के पास। अगर वो यहां आ गया और उस मनहूस लड़की को देख लिया तो मेरा बना बनाया इमेज खराब हो जाएगा। आपको तो अपने इमेज की परवाह है ही नहीं। बनवा रही हूँ अपने बाबा से, तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ तुम जानती हो ना, नेक्स्ट मंथ वापस चला जाऊंगा। हाँ मिलवाती हूँ मुनीब, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। दरअसल एक मकार लड़की ने बाबा को अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर महज दौलत हासिल करने के लिए उन्हें शादी करने पर राजी कर लिया। इसी वजह से बाबा से मेरी नाराजगी चल रही है। What? मेरे बजाय अंकल ने शादी कर ली? एक काम करो, तुम मुझे अपनी नई मम्मी से मिलवाओ। मुनीब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो और क्या कहूँ सिचुएशन में? बहुत बदतमीज है।
रिजा रिजा मेरी बात सुनो। जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये शक्ल। अपने बाप की उम्र के बंदे से शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? रिजा तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तस्वीर के ना दो रुख होते हैं, तुमने अभी सिर्फ एक रुख देखा है। कभी कभी इंसान मजबूरी के भेंट चढ़ जाता है। बंद करो अपनी ये बकवास और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। रिजा लड़ाई करने की क्या जरूरत है, हम दोस्त भी तो बन सकते हैं ना। दोस्ती और तुमसे? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी थर्ड क्लास लड़की से दोस्ती करूंगी? दफा। और हाँ, कभी भी अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मुनीब के सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम। ओह मुनीब, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अरे हम वैसे के वैसे ही हैं। तुम सुनाओ, लास्ट टाइम भी आया, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ वो रिजा बता रही थी मुझे, एक्चुअली वो कुछ मसरूफियत थी जिसके बायस मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर सका। एनीवे बेटा बैठो ना, बैठो, मुझे जरा एक्सक्यूज करना। बैठो बैठो। दरअसल एक मकार लड़की ने बाबा को अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर इस दौलत हासिल करने के लिए उन्हें शादी करने पर राजी कर लिया। इसी वजह से बाबा से मेरी नाराजगी चली गई। ये मेडिसिन मैं चेंज कर रही हूँ, इंशाल्लाह तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मानो खामखा परेशान रहती है। ये मेडिसिन आप ले लीजिएगा। मानूर आप एक मिनट मेरे रूम में आइएगा। Have a seat. जी डॉक्टर साहिबा। महानूर, मैं आपको कई बार इस बात से आगाह कर चुकी हूँ कि आपकी मदर को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। किसी वक्त भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। अल्लाह ना करे, मैं
पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना हमारे माली हालात ठीक नहीं है। मैंने अपने सर से भी बात की है, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। आपने कहा था ना कि आप कंसेशन दिला देंगे। हाँ वो तो मैं कराऊंगी, लेकिन बाकी अमाउंट तो आप अरेंज करें। जी बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें, मैं कर लूँगी अरेंज। वो उसके हाथ की पट्टी और चेहरे के निशान के बारे में पूछ रहा था। मैंने कह दिया गिर गई थी, इतनी मुश्किल से बात घुमाई है। मैं जानती हूँ मुनीब की नेचर, वो जानवरों के मामले में इतना हसास है। अगर उसे इस हकीकत का पता चल गया तो सोचे बाबा, वो क्या सोचेगा, उसका क्या रिएक्शन आएगा। खुदा के लिए मेरी जिंदगी पर रहम खाएं और उसे तलाक दें और निकालें यहां से। बेटा तो उसकी माँ भी मर चुकी है, कहाँ जाएगी वो? मेरी बला से भाड़ में जाए। आपको उसकी फिक्र है, अपनी बेटी की नहीं? क्या हो गया बाबा आपको? अब तो मेरी आंखों के आंसुओं से तड़प उठते थे, आज आपका दिल आपको क्यों नहीं झिझोड़ा? क्या आपके दिल से बेटी की मोहब्बत खत्म हो गई है? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम तो मेरी जिंदगी हो। मैंने कह दिया है आपको बाबा, मैं मुनीब के बगैर मर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन बेटा, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। हेलो जी, जी बोल रहा हूं जी। कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊं। ठीक है हम पहुंचते। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? भाई साहब की डेथ हो गई है, हमें फौरन जाना होगा। ताया जान की डेथ हो गई, लेकिन कैसे? हार्ट अटैक बेटा, मौत को तो बस बहाना चाहिए होता है। क्या वो भी जाएगी? ख्याल है कि अभी मुनासिब नहीं है बेटा। आओ आओ हम चलते। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रिजा, कोई है? रिजा जी। जी सर, क्या वो बीवी जी को? ये बेहोश हो गई है, घर वाले कहाँ हैं? हॉस्पिटल लेके जाना होगा। साहब जी तो अपने बड़े भाई की फौजगी पर गए हुए हैं, रिजा बीवी उनके साथ ही गई हैं। बीवी जी। अच्छा सुनो, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इन्हें, रिजा आए तो मुझसे बता देना। जी साहब जी, मगर मगर क्या?
अगर छोटी मार्किन को पता चल गया कि आप बीबी जी को लेकर अस्पताल गए तो वो मुझे बहुत मारेंगी। एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी को मुसीबत और परेशानी के वक्त खौफ और डर से तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े जालिम लोग हैं ये। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, प्लीज उठें, आप हिम्मत करें। मदद तो मैं तुम्हारी कर दूंगा, मगर ये दुनिया कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे चलती है। मैं समझी नहीं। अरे भाई, अब तुम इतनी भी ना समझ नहीं हो। हसीन हो, खूबसूरत हो, जवान हो, और फिर तुम्हारी मां के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई राह भी नहीं है। दुनिया की गंदी नजरें तुम्हारे हुस्न को दागदार कर सकती हैं। सर, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जैसा आप समझ रहे हैं। अरे भाई, तो मैंने कब कहा कि खुदा ना खास्ता तुम कोई ऐसी वैसी लड़की हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाह रहा था कि जब से तुम्हें देखा है कुछ और देखने को जी नहीं चाहता। मैं अपनी इस वीरान दुनिया में तुम्हें आबाद करना चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। जी सही, आप क्या कह रहे हैं? देखो, तुम्हारी मां के लिवर प्लांटेशन का जो भी खर्चा होगा मैं अदा करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें निकाह करना होगा। इनकार की सूरत में तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, और तुम ऑलरेडी मुझसे काफी कर्जा ले चुकी हो, वो भी अदा करना पड़ेगा। सोच लो, समझ लो, फिर फैसला करना, ठीक है? देखो, मुझमें बुराई क्या है? अच्छा खासा खाता पीता हैंडसम आदमी हूं। सर, मैं चलती हूं। सुनो, मेरी ऑफर पे गौर जरूर करना, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। और फिर एक रोज अम्मी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो मैंने खुद को गिरवी रखकर उन्हें बचाने की कोशिश की। मगर अफसोस, फिर भी नहीं बचा पाई उन्हें। किसी की मजबूरी के साथ खेलना गुनाह है। मुझे अंदाजा नहीं था कि अंकल इस हद तक गिर सकते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि रिचा ने मुझसे गलत बयान किए। तू एक अच्छी लड़की है, आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार? इंसान कभी किसी से प्यार नहीं करता,
सिर्फ और सिर्फ अपनी सास से मोहब्बत करता है। मगर आप रेस्ट करें, मैं आपकी मेडिसिन लेकर आता हूँ। मुझे घर जाना है, आपको अंदाजा नहीं, वो बहुत गुस्सा करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ आपके साथ, मैं देख लूंगा सबको। बस आपने खामोश रहना। मैंने मुलाजमा से पूछा था, वो अब तक घर नहीं आए। आप टेंशन नहीं लें, उनके घर आने से पहले आपको ड्रॉप कर दूंगा। वापस कब आओगे? 6 महीने में वापसी हो जाएगी, मगर प्लीज प्लीज जब तक तुम अपने बाबा को मनाओ कि इस लड़की को आजाद कर दें। अगर मेरे डैडी ये सब कुछ देखेंगे कभी एग्री नहीं करेंगे। देखो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं समझा दूंगी उन्हें, तुम देखना वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। I hope so. बस बाबा, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं कि आप उस लड़की को तलाक दें। अगर मुनीब के डैड ने मुझे आपकी शादी की वजह से रिजेक्ट किया ना, तो मर जाऊंगी मैं। लेकिन बेटा, मुनीब के डैड का मेरी शादी से क्या लेना देना? अगर आप शादी किसी बेवा औरत से करते तो बात और थी, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती। कैसे समझाऊं मैं आपको? मुझे नहीं पता, आप उस लड़की को तलाक देकर फारिग करें, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। फजूल की बातें लेके बैठ गई हो तुम, पागल हो गई हो? अच्छा रो तो नहीं ना, कर दूंगा उसे आजाद। वैसे भी वो एक जिंदा लाश बनी फिरती रहती है इस घर में। मैंने अपने खानदान वालों को भी अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटा तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये कुर्बानी दे दूंगा। कर देता हूं उसे आजाद, कर देता हूं। थैंक यू बाबा। कराची वापस आ गया और उसने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम इस्लामाबाद में? मतलब 6 महीने से तुमने मुझे धोखे में रखा,
और खुद यहाँ इस लड़की के साथ अयाशी कर रहे हो? अपनी जबान को लगाम दो, अब ये निकाम है मेरी। किस कदर बेहस तुम और तुम्हारा बाप, लोगों की मजबूरियों से खेलते हुए शर्म नहीं आती? मैं मानता हूं मैंने झूठ बोला, मगर मेरे झूठ में और तुम्हारे झूठ में फर्क है। तुमने झूठ अपने जाती मफाद के लिए बोला और मैंने झूठ किसी मजलूम को जालिम से बचाने के लिए, समझे तुम? चलो